उसके बाद जो होता है टर्शियरी फॉलिकल जो होता है वो मैच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। यहाँ हम देखेंगे पिक्चर में, ये टर्शियरी फॉलिकल था, उसके बाद क्या बनाइए ग्राफियन फॉलिकल, ये थोड़ा मैच्योर फॉलिकल होता है, ठीक है मैच्योर फॉलिकल। ओके तो सेकेंडरी ओसाइट जो है, सेकेंडरी ओसाइट क्या है हैप्लॉइड है, प्राइमरी ओसाइट क्या था डिप्लॉइड था। तो फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट जो बनता है वो हो गया हैप्लॉइड, एंड वो क्या करता है उसका सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है उसका सराउंडिंग मेम्ब्रेन का नाम है जोना पैलोसिडा। तो जोना पैलोसिडा बना लेता है अपना सराउंडिंग। उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर कर जाता है, वो डिजेनरेट कर जाता है। ओके एंड रिलीज क्या रिलीज करता है, वो सेकेंडरी ओसाइट जो उसके अंदर था उसको रिलीज कर देते हैं, ठीक है सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कर देते हैं, यानी कि क्या ओवम को रिलीज कर देते हैं, और ओवम को रिलीज करने का प्रोसेस क्या है ओव्यूलेशन। ओके सो ये क्या हो गया ओव्यूलेशन प्रोसेस, ठीक है ओव्यूलेशन से क्या होता है ओवम रिलीज हो गया, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया, किससे रिलीज हो गया ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो गया। देखो यहाँ पे प्रोसेस में लिखा गया है ये डीजेनरेट कर गया ग्राफियन फॉलिकल्स एंड ओवम को रिलीज कर दिया ग्राफियन फॉलिकल्स। उसके बाद क्या बनता है यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, हम देखेंगे अब क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम। हम कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में बाद में देखेंगे, अभी हम देखते हैं कि ये ऊगोनिया जो है ऊगोनिया कैसे सेकेंडरी पोलर कैसे ओवम बनता है, ठीक है यानी कि सेकेंडरी ओसाइट बनता है, एंड देन लाइक उसका ओव्यूलेशन प्रोसेस पूरा हम उसको इस फ्लो चार्ट में देखेंगे। बी फ्लो चार्ट जो है वो है फीमेल गैमेटोजेनेसिस। ओके सो ओगोनिया जो है वो माइटोसिस होके प्राइमरी ओसाइट बनता है, प्राइमरी ओसाइट में भी क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही है। उसके बाद वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में पहुंचता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में कब पहुंचता है वो आफ्टर बर्थ। ओके देन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है एंड देन सेकेंडरी ओसाइट बनता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो कब कंप्लीट होता है जब प्यूबर्टी होता है, ये कब कब स्टेप में एंटर करता है जब बर्थ होता है, एंड कब उस स्टेप कंप्लीट होता है जब प्यूबर्टी होता है, ठीक है तो जब प्यूबर्टी होता है तो सेकेंडरी ओसाइट बन गया एंड क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 23 हो गया। ऑलराइट सो यहाँ पे जो ये फर्स्ट पोलर बॉडी हमको दिख रहा है प्राइमरी ओसाइट बनने के बाद जो ये सेकेंडरी ओसाइट बनने का वो बनने का जो ये स्टेप है, ये स्टेप में फर्स्ट पोलर बॉडी है ये। उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट से क्या बन जाता है ओवम बन जाता है, वो भी एन है, उसका भी क्रोमोसोम नंबर 23 है, और उस टाइम क्या बन उस स्टेप में क्या होता है सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है, ठीक है और वो डीजेनरेट हो जाता है। और यहाँ पे लिखा गया है फिटल लाइफ में क्या हुआ प्राइमरी ओसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज स्टेज में एंटर करता है, ठीक है बर्थ के बाद प्रोफेज स्टेज में एंटर करता है। प्रोफेज स्टेज के एंटर करने के बाद कब खत्म होता है प्रोफेज सेकेंडरी ओसाइट बनता है, ठीक है कब वो खत्म होता है सेल डिवीजन मियोसिस सेल डिवीजन सेकेंडरी ओसाइट बनने के टाइम, यानी कि जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट होता है, यानी कि प्यूबर्टी होता है। तो इसमें वो स्टेज लिखा हुआ है, ये है फिटल लाइफ, ये है बर्थ लाइफ बर्थ पीरियड, आई मीन आफ्टर बर्थ टू प्यूबर्टी, एंड दिस इज एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो ये हमको फ्लो चार्ट में इजीली समझ आ जाता है।